दोस्तों आज हम दो सहेलियों की बात करने जा रहे हैं। एक का नाम होता है श्वेता और दूसरी का नाम होता है मिनी। मिनी बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की होती है। वो हर काम में अच्छी होती है। और एक होती है श्वेता जो मिनी से बहुत जलती है। जब भी वो कोई अच्छा काम करती है वो उससे इतनी ज़्यादा जल जाती है कि वो भी सोचती है काश मैं भी अच्छा काम कर पाती। तो हमने इसी नाम पे कहानी स्टार्ट करना चाहिए। चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ला 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 ला, अरे ये तो श्वेता का मतलब मिनी का घर है। इसमें चलो एक आइडिया आया, अंदर घुस जाती हूँ। हाय मिनी। हाय श्वेता, अरे बैठो ना। हाँ हाँ मैं तो बैठूंगी, खड़ी थोड़ी ना रहूंगी। और बता मिनी कैसी है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे तुम तो पूछो ही मत, मैं तो कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। तुम्हें पता है कल मैंने ना एक न्यू ड्रेस खरीदी है और उसके साथ इयररिंग्स भी, दोनों मैचिंग के हैं। ओह वाओ नाइस, बहुत ही अच्छा। हाँ हाँ तुम तो चलोगी मेरी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस और इयररिंग्स सुनकर। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं। और बता तू आजकल घर में क्या कर रही है? मैं आजकल वो एग्जाम्स आने वाले हैं तो आजकल मैं पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ। हाँ अच्छी ड्रेसेस तो नहीं है, पढ़ाई तो कर ले। ओह हाँ हाँ अच्छा है, मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ हाँ ओए हम एक काम करें, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कराएं क्या डोमिनोज से? शिट, मैंने डोमिनोज क्यों कहा, पिज़्ज़ा हट कहना चाहिए था। मतलब पिज़्ज़ा हट से, वो पिज़्ज़ा हट का वो पिज़्ज़ा ना बहुत टेस्टी लगता है ना। हाँ हाँ तूने सही कहा, चल हम ऑर्डर कर लेते पिज़्ज़ा हट से। हाँ हाँ चल, अब मैं इसके सारे पैसे खर्च करवा दूंगी पिज़्ज़ा में। क्या तूने अभी कुछ कहा? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, चलो हम ऑर्डर करते हैं। अरे मैं तो ढेर सारा कैश लेकर आई हूँ, एक आइडिया आया, इस मैं ना इसके पैसे खर्च करा रही हूँ। वाओ अम्मी नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं पैसे नहीं लेकर आई, तो क्या तुम दे दोगी पैसे? मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए आपके पैसे। आप आधा घंटा लेट हुए पर फिर भी मैंने आपको पैसे दिए, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं करना। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले लीजिए और मुझे पिज़्ज़ा दे दीजिए, मैं चलती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत ही टेस्टी लगा पिज़्ज़ा तो आज। हाँ तुमने सही कहा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा पिज़्ज़ा। इसका टेस्टी क्यों लगा होगा, इसके पैसे खर्च हुए और मेरे को तो फ्री में खाने को मिल गया। वैसे इस समर वेकेशन में आजकल तुमने कुछ लिया? मैंने हाँ हाँ लिया है ना, ये देखो ये मैंने एक बहुत ही प्यारा बटरफ्लाई वाला कंगा लिया। ओह माय गॉड ये तो कुछ ज़्यादा स्पार्कली है, एक आइडिया है, इसको मैं बोलती हूँ मेरे को दे देगी। वैसे मिनी ये कंगा मुझे दे दो, ये अच्छा ही लगेगा तुम्हारे ऊपर। अरे पर क्यों, ये कंगा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने खरीदा। अरे मिनी ये कितने का है वैसे तो बताओ? ये 100 रुपीज़ का है। क्या 100 रुपीज़ का, इतना अच्छा कंगा 100 रुपीज़ का? ये लगता है लोकल होगा। अरे पर कोई बात नहीं ना, मेरे को कंगा यूज़ करने के लिए चाहिए, कोई लोकल वोकल के लिए नहीं। आइडिया इसको बोल देती हूँ ना, मिनी अगर तुम मुझे कंगा दोगी तो प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ योगा करूँगी। योगा करने की बात नहीं है, ये मेरा फेवरेट कंगा है, मैं इसको कल ही तो लेकर आई हूँ। अरे मिनी मेरी बात मानो, मुझे दे दो ना। तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हें दे ही देती हूँ, इस कंगे को संभाल के रखना। हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं इस कंगे को संभाल के रखूँगी। चलो ठीक है, बाय मिनी, अब मैं आपसे चलती हूँ ये कंगा लेकर। मेरा प्यारा कंगा। ओम शांति शांति। हाय मिनी। हाय श्वेता, तुमने आज मेरे से एक वादा किया था, तुम्हें याद है? क्या
वादा? मैंने क्या वादा किया? कि तुम मेरे साथ आज योगा करोगी, बदले में मैं तुम्हें कंघा दिया था। ओ नो, ये योगा के वापस आ गई। शिट, मैं क्या करूँ? मीनी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम योगा करती रहो, अपना ध्यान लगाती रहो योगा में, मैं चलती हूँ। बच गई बाल बाल। अरे श्वेता सुन तो लो, उससे आज मुझे वादा किया था कि आज वो योगा करेगी। छोड़ो, मैं ही कर लेती हूँ। ओम ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाय मिनी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आई एम परफेक्ट। तुम्हें पता है, कल मेरे पापा ने ना मुझे ना एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट दिया गिफ्ट में। ओ वाह, नाइस। हाँ हाँ, नाइस क्यों नहीं होगा। श्वेता, तुम्हें पता है कल मैंने ना एक न्यू ब्रांड न्यू ड्रेस ली है। क्या, इसने ड्रेस ली है? ये तो एक नंबर की फटीचर थी, और इसके पास पैसे आने लग गए कहाँ से? मैं अभी तुम्हें लाकर दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ लेकर आओ। मुझे तो लगता है कोई नाली का कीड़ा उठा लाएगी। ये देखो, ये जीन्स है और ये उसके ऊपर का टॉप। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी ड्रेस, ये क्या हो गया? वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मिनी? हाँ बोलो ना। ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पर क्यों, ये क्यों नहीं अच्छी लगेगी मेरे ऊपर? क्योंकि तुम काली हो और ये ड्रेस गोरी है और वाइट भी है, और ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो गोरी हूँ और बहुत ही सुंदर भी हूँ, तुम तो काली हो और मतलब तुम काली भी हो और अच्छी भी नहीं लगती मुझे तो तुम, मतलब क्या, ये क्या कह रही हो तुम? ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे को ये मेरी मम्मी ने दी थी। तो क्या हुआ, ये मेरे को दे दो ना, मैं तो वैसे भी तुम्हारी बहन जैसी ही हूँ। मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे दे दो ना, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी लगेगी। ये तुम काली हो और ये गोरी ड्रेस है, और ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, मैं पहले कह रही हूँ। बस अब बहुत हो गया तुम्हारी चालबाजी, तुम मेरे साथ हमेशा एक खेल खेलती हो। तुम्हें मेरे बर्थडे वाले दिन याद है, जो मैंने तुम्हें ड्रेस बोली थी? जब मैंने तुम्हें उस बर्थडे वाले दिन ड्रेस के बारे में बोला था कि मैं आज वो वाली ड्रेस पहनूंगी, तो सेम तुमने भी पहन ली, वही वाली ड्रेस, एकदम सेम टू सेम। माना कि हमने सेम ड्रेसेस खरीदी थी दोनों एक साथ शॉप पे, पर तुम फिर भी उसको पहन लिया तुमने। अब और तुम्हारी नहीं चलेगी, अब जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। तुम्हें याद है वो पिज्जा ऑर्डर वाला दिन, जब तुमने कहा था कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है? पहले तुमने डोमिनोज का नाम लिया, क्योंकि डोमिनोज बहुत ही सस्ता होता है और पिज़्ज़ा हट बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो तुमने पिज़्ज़ा हट का नाम ले लिया। फिर मैंने तुम्हें तभी सुन लिया था जब तुमने कहा था कि मेरे पास पैसे हैं मगर मैं इसके पैसे खर्च करवाऊंगी मिनी के। मैं उसी वक्त जान गई थी कि तुम मुझसे बहुत ही जलती हो और मेरे पैसे खर्च करवाना चाहती हो। तुम्हारे पास बल्कि पहले से ही थे और मेरे पैसे खर्च कराना चाहती हो। और तुम्हें वो कंघा वाला दिन याद है, जब मैंने तुम्हें वो प्यारा सा बटरफ्लाई वाला कंघा दिया था? वो अच्छा कंघा था, इसलिए तुम बहुत ही जल गई और तुमने मेरे हाथों से वो भी कंघा छीन लिया। अब मैं तुम्हें ड्रेस बिल्कुल भी नहीं दूंगी और ना ही मैं अब तुम्हारी दोस्त बनूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मिनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे जलती थी, अब मुझे माफ़ कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ मिनी। श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने इतनी अच्छी फ्रेंड गुमा दी, अब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा। मैंने इतनी अच्छी फ्रेंड गुमा दी, बस और बस जलन में, ऐसा क्यों हुआ? श्वेता को उसी दिन से बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी हमारी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।